कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला ले ही लिया था। प्रदेश सरकार ने इसी बारे में आदेश भी जारी किया था। हालांकि कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, फिर भी एहतियातन ये अहम फैसले कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और उसी के बाद ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी गंभीरता को समझते हुए कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है और केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में संशोधन, जहां कोरोना से निपटने के लिए 555 डॉक्टर्स की नियुक्ति को भी हरी झंडी है। 11 महीने के लिए इन डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है। महामारी एक्ट के अंदर ये सारे फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार के 50 करोड़ की व्यवस्था की भी बात सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इसी बारे में आदेश भी जारी किया था। हालांकि कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, फिर भी एहतियातन ये अहम फैसले कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और उसी के बाद ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी गंभीरता को समझते हुए कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है और केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में संशोधन, जहां कोरोना से निपटने के लिए 555 डॉक्टर्स की नियुक्ति को भी हरी झंडी है। 11 महीने के लिए इन डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है। महामारी एक्ट के अंदर ये सारे फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार के 50 करोड़ की व्यवस्था की भी बात सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इसी बारे में आदेश भी जारी किया था। हालांकि कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, फिर भी एहतियातन ये अहम फैसले कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और उसी के बाद ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी गंभीरता को समझते हुए कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है और केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में संशोधन, जहां कोरोना से निपटने के लिए 555 डॉक्टर्स की नियुक्ति को भी हरी झंडी है। 11 महीने के लिए इन डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है। महामारी एक्ट के अंदर ये सारे फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार के 50 करोड़ की व्यवस्था की भी बात सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इसी बारे में आदेश भी जारी किया था। हालांकि कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है, फिर भी एहतियातन ये अहम फैसले कैबिनेट की ओर से लिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है और उसी के बाद ये अहम फैसले लिए गए हैं, जिनकी गंभीरता को समझते हुए कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है और केंद्रीय एपिडेमिक एक्ट 1997 में संशोधन, जहां कोरोना से निपटने के लिए 555 डॉक्टर्स की नियुक्ति को भी हरी झंडी है। 11 महीने के लिए इन डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी है। महामारी एक्ट के अंदर ये सारे फैसले लिए जाएंगे। राज्य सरकार के 50 करोड़ की व्यवस्था की भी बात सामने आई।